गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। आज जो हमारी जो अगली एक्सरसाइज थी, वही जो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 5.2, उसके क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक हमारा हो गया था। 8th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। एन एपी कंसिस्ट 50th टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। देखिए आपको इसमें बोला है कि एक एपी है जिसके अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं और आपको उसकी थर्ड टर्म दे दी और लास्ट टर्म दे दी। अब जब उसमें है ही 50, तो जो लास्ट टर्म है मतलब कि वो 50th टर्म ही होगी जो आपको 106 दे रखा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7th भी किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। आपको ए 50 और एक ए 3 दो टर्म्स दे रखी हैं। आपका दोनों में एक ही एपी है तो दोनों का ए सेम होगा। दोनों दो इक्वेशंस बनाई, उन दोनों को माइनस कीजिए, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। जो डी की वैल्यू आएगी उसको फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरीके से फिर आप आगे उसका 29th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7th ऐसा ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी। देखिए आपको बोला है एक एपी है उसकी 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हमने क्या लिखा, ए 17 माइनस ए 10 किसकी इक्वल है 7 के। अब देखिए ए 17 क्या होगा, ए प्लस 16 डी, क्योंकि एन माइनस 1 होता है। तो मैंने 17 माइनस 1 लिखने की जगह सीधा लिख दिया 16 डी। अब क्योंकि माइनस है, माइनस से साइन चेंज होते हैं, तो मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया ए प्लस 90, 10 डी था तो 90 लिख दिया इक्वल्स टू 7। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ये आपका माइनस का हो जाएंगे अंदर वाले, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल का हो जाएंगे अंदर वाले, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हो गया। 16D माइनस 90 किसके इक्वल हो जाता है 7D के। 7 तो जाएगा डिवाइड में, 7 बाय 7 इज 1, तो कॉमन डिफरेंस ही निकालने को बोला था इन्होंने हमें क्वेश्चन में, जो कि हमने निकाल लिया 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेट टू APs डिनोटेड एज AP1 एंड AP2। दो AP दे रखी हैं आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, और बोला है कि उन दोनों APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो APs हैं और उनकी 100th टर्म्स का डिफरेंस है 100, तो आप उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि APs को मैंने डिनोट किया, दो APs को, एक AP1 ले ली या AP2 ले ली, या आप AP सिंपल लेकर एक को APs ले लें, एक को AP डैश ले लें। तो अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को क्या लिखा मैंने सिंपल A, और दूसरी AP की फर्स्ट टर्म को क्या लिखा है मैंने A डैश। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा डबल राइटिंग हो गई है, A के ऊपर इस तरीके से कॉमा लगा दिया, इट इज कॉल्ड एज A डैश। बट कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने उसको डिनोट किया है सिंपल D की तरह, कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखा। नाउ इसकी 100th टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है 100, तो A 100 माइनस A डैश 100, 100 के इक्वल है। वैल्यू पुट कीजिए, ए 100 किसके इक्वल होगा, ए प्लस 90 90, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया ए डैश प्लस 90 90 100। डी सेम है दोनों का कॉमन डिफरेंस। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो देखिए 99D और 90 90 सेम है, प्लस माइनस के कट जाएगा, ए माइनस ए डैश किसके इक्वल रह जाता है 100 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेके छोड़ दो। अब बात टर्न आती है, उन्होंने बोला था उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ए प्लस 990 माइनस 9D से प्लस का 990 माइनस का 990 कैंसिल, बच क्या जाता है ए प्लस माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है, तो उसका यूज़ किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ए माइनस ए डैश मेरे पास इक्वल आ जाता है 100 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 के बीच, 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो आप पहले 4 का टेबल लिखिए, 10 के बाद कौन सा सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर आता है जो 4 पे जाए, वो है 16, अगला है 20, देन 24, 4 का डिफरेंस है। अब इतने को ही छोड़ दीजिए, सारा निकालने की जरूरत है। अब आप क्या कीजिए, जो लास्ट टर्म आपको दे रखी है 250 को 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे किया, 250 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा है 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से कि 250 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा 4 से, तो आपको माइनस करना है क्योंकि हमने 10 और 250 के बीच वाली टर्म्स लेनी है, 250 से आगे नहीं जाना है। तो 250 में से 2 को माइनस किया, आज क्या आता है 248 आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आप देखें तो आपकी लास्ट टर्म बनती है 248। तो अब देखें आप, आपके पास ए भी है 16, डी है 4, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट टर्म ए एन है 248। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ए एन की वैल्यू पुट कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 248 के इक्वल है। आपके पास सिर्फ एन नहीं है, यहाँ पे ए भी है डी भी है, ए एन की वैल्यू भी पुट कर दी हमने 248, तो आप सिंपली अपना एन की वैल्यू निकाल दीजिए, वही करना था। उन्होंने पूछा था कितने मल्टीपल्स है, तो 248 का जो नंबर होगा, जो एन होगा 248 जी, वही करना था। इन्होंने पूछा था कितने मल्टीपल्स है, तो 248 का जो नंबर होगा, जो एन होगा 248 का, वही इसके टोटल नंबर्स आ जाएंगे।
Now question number 15, for what value of n are the nth terms of two APs, एक AP ये दे रखी है एंड दूसरी AP ये दे रखी है, दोनों इक्वल है, दो अलग अलग APs हैं, वो कह रहे हैं ऐसी कौन सी n टर्म है, इन दोनों का सेम टर्म होगी, n टर्म होगी, जिससे क्या होगा दोनों का वो नंबर क्या आ जाएगा सेम, वो वैल्यू सेम होगी। तो देखिए वो क्या होगा, हमने यहाँ पे AP ले ली A63, D ले लिया 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2, माइनस करके चेक कर लिया। दूसरी AP का A डैश ले लिया मैंने उसको 3, और D डैश लिख दिया 10 माइनस 3 7। अब क्योंकि n सेम लेना है, A डैश n इक्वल है हमारे पास, इन्होंने दे रखा है an इक्वल है A डैश n के, तो हमने A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू D ले लिया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, A की वैल्यू भी है, D भी है, A डैश भी है, D डैश भी है, वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2, 7 को मल्टीप्लाई किया n से 7n, 7 को माइनस 1 से किया माइनस 7। अब आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाइए, n वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करके, दो AP दे रखे किसी में, एक AP दे रखे, यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है आपके पास an वाला ही। इस तरीके से आपके इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आगे के अटेम्प्ट हो जाएंगे। जिन क्वेश्चंस में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाउट सेशन में अपना मैसेज करके मुझे बता दें, मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।